दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जियो एयर फाइबर का बिल पेमेंट किस तरह से किया जाता है। मेरा जो जियो एयर फाइबर का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज मैंने उसका बिल का पेमेंट नहीं किया था। एंड अगर आपका भी बिल पेमेंट आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से करना है। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि बिल पेमेंट करने के कितने टाइम के बाद आपका अकाउंट जो हो स्टार्ट हो जाता है, वापस से आप यूज कर पाते हो इंटरनेट को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा जियो एयर फाइबर में 1,006 रुपीज़ का ड्यूज था, जिसके कारण से मेरा अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो अभी मैं इस बिल को आपके सामने पेमेंट करने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पे 1,006 रुपीज़ 34 पैसे का अमाउंट मुझे यहाँ पे क्लियर करना है। तो यहाँ पे पे का बटन नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं एंड इसके बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। कहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हो, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, वॉलेट वगैरह, आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हो वो ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो मेरे पास मैं पेटीएम से करने वाला हूँ, तो पेटीएम पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे अपना UPI पिन वगैरह डाल के एंड यहाँ पे कर देता हूँ उसका पेमेंट। ठीक है, सब कुछ आपके सामने किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हो कि सारा पैसा मैंने पेमेंट कर दिया है एंड यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आ चुका है एंड यहाँ पर मेरे अकाउंट से पैसे कट गया उसका भी मैसेज आ चुका है। देख सकते हो पेमेंट ऑफ 1,006 रुपीज़ 34 पैसे इज सक्सेसफुल। आज 10 तारीख है, 10 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया है। 7 तारीख तो मतलब यहाँ पे 10 तारीख को, मतलब 7 तारीख को लास्ट डेट होता है, बट उसके 1-2 दिन बाद आपका अकाउंट यहाँ पे बंद किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो है अपडेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है एंड इसके बाद मैंने रिफ्रेश करते ही देख सकते हो कि मेरा लास्ट बिल मैंने पेमेंट कर दिया है एंड मेरा अकाउंट वापस से यहाँ पर चालू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो जितना डेटा था वो मेरे को शो कर रहा है अभी। ठीक है, एंड ये मेरा 100 MPS वाला प्लान है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 899 रुपीज़ का जो कि 1 मंथ का प्लान है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आपके भी हर मंथ यहाँ पे जो है वो बिल जनरेट होता है एंड आपको हर मंथ पेमेंट करना है। अभी मैं वापस से आईफोन से हटा के अपने जियो एयर फाइबर में शिफ्ट कर लेता हूँ बिकॉज अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नेट चला के कि नेट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी स्पीड देखने को मिल रही है 100 MPS वाले प्लान में। ठीक है, तो अभी दिन का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, 3:30-4 बजे के आसपास टाइम चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना स्पीड मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरा 100 MPS के प्लान में मेरे को यहाँ पे 60-65 के आसपास जो है वो स्पीड देखने को मिल रही है। कभी कभी ये थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, बाकी टाइम ये ठीक ठाक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हो कि कितना मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको अपना बिल पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप जो भी अपना बकाया बिल पेमेंट है वो उसको कर सकते हो किसी भी UPI वगैरह से। ठीक है, तो सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।